हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। आप सभी लोग नए साल की खुशियां मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर GST में आपने यह गलती कर दी तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो गलती क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप जो भी परचेज करते हैं GST के अंदर, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 16। अगर मैं सेक्शन 16 की बात करूँ तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस एंड द सेट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो भी आप सप्लाई लेंगे, चाहे वो गुड्स की सप्लाई है, चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई है, या फिर दोनों की सप्लाई है, और वह सप्लाई आपके बिजनेस या फिर आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज की जा रही है, तो आप उस सप्लाई का क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उन कंडीशंस को अगर कंप्लाई करते हैं तो ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। उनमें से एक कंडीशन है कि आपने जो भी सप्लाई ली है, जिस भी पर्सन से वह सप्लाई ली है, उस पर्सन को 180 डेज के अंदर, 180 दिनों के अंदर आपको उस सप्लाई की पेमेंट करनी है विद टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स आपको पेमेंट करनी है। अगर आप टैक्स की पेमेंट और सप्लाई की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको वापस करना होगा, और साथ ही आपको इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी होगी। वह कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए रिसिपियंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स पेबल देयर ओन विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर एन अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रिसिपियंट shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। तो friends, अगर आपने input tax credit ले लिया है लेकिन supplier की payment आपने 180 days के अंदर नहीं की है, तो in that case आपको input tax credit जो कि आप avail कर चुके हैं आपको reverse करना पड़ेगा, और साथ ही आपको interest की payment भी करनी पड़ेगी। यह 180 days count किए जाएंगे from the date of issuance of invoice by the supplier। जिस डेट में सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है उस डेट से आपको 180 डेज का टाइम दिया गया है। अगर आप 180 डेज के अंदर सप्लायर की पेमेंट नहीं कर पाते हैं अलोंग विद द टैक्स, तो आपको इन दैट केस वह इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। जो इंटरेस्ट की पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो 18% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी होगी। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर 1 जुलाई को आपने कोई परचेज की है तो उसकी टाइम पीरियड जा चुका है 27 दिसंबर, क्योंकि यहां पर 180 डेज वर्ड यूज किया गया है, ना कि 3 महीने, 3 मंथ्स वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो दैट मींस अगर मैं 180 डेज की बात करूं तो 1 जुलाई से 180 डेज आपके कंप्लीट होते हैं 27 दिसंबर को। अगर 27 दिसंबर तक आपने कोई पेमेंट नहीं की है उस सप्लायर की जिससे कि आपने 1 जुलाई को परचेज की थी, सप्लाई ली थी सर्विसेज की या गुड्स की या दोनों की, अगर आपने 27 दिसंबर तक उसकी पेमेंट नहीं की है अलोंग विद टैक्स, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना होगा। और ध्यान रखिएगा, जिस भी सप्लायर से आपने गुड्स और सर्विसेज की कोई भी सप्लाई ली है तो उसको 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है। यह जो 27 दिसंबर है वह उसके लिए लास्ट डेट है जो 1 जुलाई को सप्लाई ली गई है। लेकिन अगर आपने इसके बाद अगर कोई सप्लाई ली है तो वहां से आपको 180 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको पेमेंट करनी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 180 दिनों के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाएगा। मैं बस इतना ही आपको याद दिलाना चाहता था कि कहीं आप भूल तो नहीं गए कि 180 दिनों की पेमेंट की लिमिट भी दी गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो अपने वेंडर्स की पेमेंट करते रहिए टाइम पर, सो दैट कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको वो मिलता रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।